एमसी स्टैन एक अंडररेटेड या फिर अंडर एप्रिशिएटेड म्यूजिक प्रोड्यूसर है। सो तुम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलोगे कि भाई ऐसा क्यों है। सो देखो, एमसी स्टैन एज अ रैपर बहुत सारे लोगों के लिए अंडररेटेड हो सकते हैं, ओवररेटेड हो सकते हैं या फिर राइटली रेटेड हो सकते हैं, ये डिबेटेबल है। सो यही सेम बात मैं तुम लोग को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। इमेजिन करके देखो कि एमसी स्टैन रैपर और एमसी स्टैन प्रोड्यूसर दोनों अलग अलग इंसान है, और एमसी स्टैन रैपर जो है वो सिर्फ रैपिंग करते हैं, ठीक है। उनके पास एक अपना प्रोड्यूसर है जिसने एमसी स्टैन के पूरे कैटलॉग में अभी तक जो भी हमें एमसी स्टैन का गाना देखने को मिला है उसी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है। और अगर हम सिर्फ एमसी स्टैन प्रोड्यूसर को, क्योंकि अभी वो सिर्फ प्रोड्यूस करता है, उसे हम एज ए प्रोड्यूसर देखेंगे और उसके प्रोडक्शन स्किल को अगर जज करेंगे तो डेफिनेटली जितना काम उसने किया है, अगर हम एमसी स्टैन के कैटलॉग अगेन उससे कंपेयर करें तो डेफिनेटली वो डीएचएच के टॉप प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में होगा, ठीक है। ऐसे प्रोडक्शन इस प्रोड्यूसर ने कर रखे हैं। बट जब वही बात सिर्फ एमसी स्टैन की हो रही होती है तो हम एमसी स्टैन के प्रोडक्शन स्किल्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। DHH में, DHH ट्विटर या फिर DHH रेडिट में इसके बारे में बात होता भी है, बट DHH के बाहर, क्योंकि MC Stan अब एक मेनस्ट्रीम आर्टिस्ट बन चुके हैं, उनको बहुत सारे लोग सुनते हैं, और MC Stan के लिसनर्स में ऐसे लिसनर्स का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, ये इनको शायद आइडिया भी नहीं है कि MC Stan अपने गाने खुद प्रोड्यूस करते हैं एंड हाउ गुड प्रोड्यूसर इज MC Stan। सो हमारी आज की जो वीडियो है ये डेडिकेटेड होने वाली है सिर्फ और सिर्फ MC Stan के प्रोडक्शन के लिए। आज के वीडियो में हम वॉक थ्रू करेंगे या फिर तुम्हें एक टाइमलाइन देखने को मिलेगी एमसी स्टैन के प्रोडक्शन जर्नी की, कि एमसी स्टैन ने कैसे स्टार्ट किया था, एमसी स्टैन की प्रोडक्शन क्यों इतनी डिफरेंट है, एमसी स्टैन का सैंपल गेम क्यों इतना बढ़िया है, सब कुछ हम इस वीडियो में चेक करेंगे। और इस वीडियो के खत्म होते तक तुम एमसी स्टैन को डेफिनेटली डीएचएच के टॉप प्रोड्यूसर्स में काउंट करने लग जाओगे। लेट्स बिगिन। सो हां, और एक चीज जो मैं मेंशन करना चाहता हूं, मैं डीएचएच के टॉप 10 म्यूजिक प्रोड्यूसर्स की लिस्ट बनाने की सोच रहा था और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि किस म्यूजिक प्रोड्यूसर को मैं टॉप 10 की लिस्ट में डालूं, किसको नंबर 9 पे, किसको नंबर 8 पे, ठीक है। सो अगर तुम लोग मेरी हेल्प कर पाओ थोड़ी बहुत तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। सो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो मुझे कि किस प्रोड्यूसर को मैं इस लिस्ट में ऐड कर सकता हूं, उसके साथ साथ उसका रीजन भी दे सकते हो कि ये प्रोड्यूसर टॉप 10 की लिस्ट में क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो या तुम अपने टॉप 10 की लिस्ट नीचे कमेंट कर सकते हो बेस्ट डीएचएच प्रोड्यूसर्स का, जिसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों के प्रोड्यूसर को तुम ऐड कर सकते हो, या फिर तुम किसी एक प्रोड्यूसर को सजेस्ट कर सकते हो और उसके साथ रीजन दे देना कि क्यों इस प्रोड्यूसर को मैं टॉप 10 लिस्ट में डालूं, ठीक है। तो कमेंट करके बता देना। सो अगर हम एमसी स्टैन के पहले कुछ ट्रैक्स पे नजर डालें, जैसे कि वटा और खुजामत, तो एमसी स्टैन ने स्टार्टिंग से ही बिल्कुल ये क्लियर कर दिया था कि उनका प्रोडक्शन बाकी डीएचएच प्रोड्यूसर से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। सबसे पहली चीज, अगर तुम एमसी स्टैन का ट्रैक सुनोगे तो तुम्हें जो चीज अट्रैक्ट करेगी या जो चीज तुम्हें डिफरेंट लगेगी वो है एमसी स्टैन का सैंपल सेलेक्शन। एमसी स्टैन सैंपल को लेकर के बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव रहे हैं डे वन से। अगर तुम वटा का सैंपल सुनते हो, लिल पंप का एक पुराना ट्रैक है जिसका नाम है स्केटेड, उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। सो एमसी स्टैन वेस्टर्न रैपर्स या फिर वेस्टर्न प्रोड्यूसर से इंस्पिरेशन लिया करते थे और स्टार्टिंग से वो लेते हुए आ रहे हैं। So, MC Stan ने इंस्पायर्ड होके सैंपल को अपने हिसाब से डिफरेंट साउंड दिया है, जो हम उनके स्टार्टिंग ट्रैक जैसे कि वटा और खुजामत में एग्जैक्टली देख सकते हैं। इसके साथ साथ MC Stan के स्टार्टिंग प्रोडक्शन में तुम एक और चीज नोटिस करोगे कि MC Stan का जो अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर है बीट का, वो भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। लाइक मतलब तुम्हें वो एक अलग ही वाइब देगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो वो प्रिकॉशंस यूज करते हैं ना, वो भी बहुत ही डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, रैंडम तबला साउंड तुम्हें सुनने को मिल जाएगा, सकता पीछे से लग सकता से लेग मा देख बेच मेरी स्पॉटी हेडिंग ट्रिप मत, या फिर कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो शायद तुमने कभी सुने भी नहीं होंगे, वैसे साउंड तुम्हें उनके बीट्स में सुनने को मिल जाएंगे, जो एग्जैक्टली हमें उनके स्टार्टिंग कुछ ट्रैक्स में भी सुनने को मिले थे। सो एमसी स्टैन की सैंपल गेम इतनी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि उन्होंने 2019 में अपना एक सिंगल ड्रॉप किया था जिसका नाम था लू, कि इसमें एमसी स्टैन ने दूरदर्शन का जो इंट्रो हुआ करता था ना, जो हम बचपन में देखते थे, उसे सैंपल करके यूज कर रखा है। इसके साथ साथ इसी गाने में तुम्हें ऑल आउट का एड भी देखने को मिल जाएगा, जो बीट में ही एमसी स्टैन ने बीच में ब्लेंड इन करके रखा हुआ है। लाइक भाई, तुम क्रिएटिविटी लेवल देख रहे हो बंदे की। नया ऑल आउट, ज्यादा आसान, ज्यादा असरदार। सुन
मेरा। 2019 में ही MC Stan का एक ट्रैक आया था जिसका नाम था एड़े की चद्दर, एंड आई रियली लव द प्रोडक्शन इन दिस सॉन्ग एज वेल। भाई जिस तरीके से इसमें हमें डार्क सैंपल देखने को मिला था MC Stan के साइड से, जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है ना, तुम्हें एक डार्क वाइब फील होगी। उसके साथ साथ इसमें जिस हिसाब से MC Stan ने 808 यूज कर रखा है, हार्ड हिटिंग 808, क्या परफेक्ट साउंड कर रहा है और क्या बढ़िया बना रहा है इस बीट को। उसके साथ साथ यही वो ट्रैक है जिसके सेकेंड हाफ में हमें हाथ वर्ती पहली बार सुनने को मिला था, और इसी से इंस्पायर्ड होके बाद में हमें कश्मीर के साथ हाथ वर्ती देखने को मिला। फिर क्या बोलता गरज मरते को माइकों की गरज में को काइको ने गरज में। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रैक के थ्रू MC Stan ने पहली बार अपनी प्रोडक्शन स्किल्स की कैपेबिलिटी हमें दिखाई थी कि वो किस रेंज तक जा सकते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, वो कितने वर्सटाइल है। ठीक है, लाइक आई लव्ड द प्रोडक्शन इन दिस ट्रैक। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। सारा जमाना मेरे कदमों पर है, पर जीता बस तेरे लिए, तू है ठिकाना अब तू ही मेरा घर है, तुझ में ही बस कर रहे। सो गाने का नाम है बस तेरे लिए और आर्टिस्ट है DRG बॉयज, जो कि एक डुओ है जिसमें हमें टैग कल्याणकारी और बॉय स्टार देखने को मिले हैं। सो ये एक मेलोडिक ड्रिल सॉन्ग है, भाई लोगों के साइड से हमें एक मेलोडिक ड्रिल वाइब में गाना देखने को मिला है। ओवरऑल गाना अच्छा है, डिसेंट है, ठीक है। सो अगर तुम्हें स्निपेट पसंद आया है, जाके बार ट्रैक चेक करना, कोई भी फीडबैक है जाके तुम भाई लोगों को दे सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ चेक करो, आर्टिस्ट को सपोर्ट करो। इसके बाद 2020 में हमें MC Stan का एक ट्रैक देखने को मिला जिसका नाम था दिल पे मत ले। ठीक है, ट्रैक का भले ही नाम है दिल पे मत ले, बट जब तुम इस ट्रैक का म्यूजिक प्रोडक्शन सुनोगे तुम भाई प्रोडक्शन को दिल पे ले लोगे भाई, मतलब दिल पे तुम्हारे बस जाएगा ये प्रोडक्शन। मतलब MC Stan ने अपने आप को प्रूफ तो इसके पहले ही कर दिया था कि वो कितने अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर है, बट इस ट्रैक के थ्रू, इस प्रोडक्शन के थ्रू उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को और भी ज्यादा लेवल अप कर दिया था, अपने आप को और भी ज्यादा प्रूफ कर दिया था कि भाई मैं इस लेवल तक प्रोड्यूस कर सकता हूँ। अगर तुम ये गाना सुनोगे ना, पहले तो भाई क्या सैंपल है इस गाने में, लाइक मल्टीपल सैंपल के लेयर्स यूज कर रखे हैं। अगर तुम हेडफोन में ये ट्रैक सुनते हो तो तुम्हें चीखने की आवाज आएगी, एक तुम्हें डिफरेंट मेलोडी सैंपल सुनने को मिलेगा, उसके साथ लेयर करके एक और सैंपल MC Stan ने ऐड कर रखा है। बीट का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा यूनिक है और ओवरऑल भाई बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक प्रोडक्शन। और मोस्टली प्रोड्यूसर्स के साथ ऐसा होता है ना कि जब वो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, तो वो एक मेस क्रिएट कर देते हैं, बट MC Stan के केस में ऐसा नहीं है। तुम्हें ये गाना एंड इवन ये प्रोडक्शन पसंद आएगा, यू विल लाइक इट। ठीक है, अगर नहीं चेक किया अभी तक ये गाना, इसे चेक किया होगा, बट एक बार जाके दोबारा सुन के देखना ये गाना, कितना बढ़िया प्रोडक्शन है एंड कितना बढ़िया और कितना यूनिक प्रोडक्शन हमें MC Stan के साइड से देखने को मिला है। और फिर इसके बाद सितंबर 2020 से MC Stan का जो पहला एल्बम था तड़ी पार, उसके रोल आउट स्टार्ट हो जाते हैं, हमें ट्रैक्स देखने को मिलते हैं। और भाई तड़ी पार की मैं क्या ही बात करूं, जो भी बचा खुचा हुआ कसर था MC Stan की स्किल्स, जो उन्होंने दुनिया को नहीं दिखाई थी, इस एल्बम में उन्होंने सारा कुछ निकाल के रख दिया। और इन ब्रीफ हम बोल सकते हैं इस एल्बम के थ्रू MC Stan ने प्रूव कर दिया कि जब बात प्रोडक्शन की आएगी, आई विल किल इट। हम बात कर ले ट्रैक जैसे कि 307 की, जहां पे हमें डार्क थीम देखने को मिला, डार्क सैंपल देखने को मिला MC Stan के साइड से, या फिर ट्रैक जैसे कि तड़ी पार, जिसकी फ्लूट या फिर मेलेडी अभी भी लोग भूल नहीं पाए, अपने दिल से निकाल नहीं पाए। इस एल्बम में हमें एक MC Stan टाइप बीट आउट्रो देखने को मिला था, जो कि 10 मिनट लंबा सिर्फ MC Stan का प्रोडक्शन था, लाइक MC Stan ने 10 मिनट लंबा अपना प्रोडक्शन उसमें हमें सुनाया है। ठीक है, और ये 10 मिनट का जो ट्रैक है ना, ये 10 मिनट का जो बीट है ना, यही काफी है MC Stan के प्रोडक्शन स्किल्स को हमें बताने के लिए कि वो कितनी कैपेबल है जब बात प्रोडक्शन की आती है। सो इन ब्रीफ हम बोल सकते हैं MC Stan का पहला एल्बम तड़ी पार वॉज द बेंचमार्क,
कि कैसे एक बढ़िया एल्बम अच्छे प्रोडक्शन के साथ क्रिएट होता है, जो एग्जैक्टली एमसी स्टैन ने किया था। बट तड़ी पार के बाद एमसी स्टैन की जो प्रोडक्शन है ना, वो अलग ही डायरेक्शन में चली जाती है। एमसी स्टैन ने अपने जॉनरा को चेंज किया और वो बहुत ही ज्यादा ट्रैप म्यूजिक की तरफ चले गए, और इसके बाद मल्टीपल ट्रैप सॉन्ग हमें एमसी स्टैन के साइड से देखने को मिले। अगर मैं सच बताऊं ना, तो इस टाइम के अराउंड मैंने एमसी स्टैन के पुराने प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा मिस किया था। बट क्या कर सकते, आर्टिस्ट को चेंज होना पड़ता है, आर्टिस्ट चेंज होते हैं। अगर हम इस टाइम के अराउंड एमसी स्टैन के प्रोडक्शन की बात करें ना, तो एमसी स्टैन ने अपने प्रोडक्शन को थोड़ा मिनिमल बना दिया था, क्योंकि वो मोस्टली ट्रैप गाने बना रहे थे। उनके मेलेडीज के साथ खेलना, जो वो पहले खेला करते थे, वो थोड़ा कम हो गया था। बट स्टिल मुझे एमसी स्टैन का प्रोडक्शन अच्छा लग रहा था इस टाइम के अराउंड में। इसके बाद साल 2022 में हमें एमसी स्टैन का सेकंड स्टूडियो एल्बम देखने को मिलता है, जिसका नाम था इंसान। किसको नहीं मालूम इंसान कैसे आए इस धरती पे, तू आए दुनिया में। अगेन, दिस होल एल्बम बाय एमसी स्टैन वाज अ ट्रैप एल्बम। अगर हम एल्बम में एमसी स्टैन के रैपिंग की बात करें, तो वो अगेन डिबेटेबल है। इस वीडियो में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है। बट अगर प्रोडक्शन की बात करें ना, आई रियली लव द प्रोडक्शन इन दिस एल्बम। लाइक हमें तड़ी पार लेवल का प्रोडक्शन तो देखने को नहीं मिला था, क्योंकि तड़ी पार में एमसी स्टैन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे साउंड यूज किए थे, जैसे प्रिकॉशंस यूज किए थे ना, वो उस लेवल की चीज है, या फिर वैसी चीजें हमें एमसी स्टैन के साइड से दोबारा देखने को नहीं मिली। सो एमसी स्टैन का इंसान जो एल्बम था ना, एज कंपेयर टू तड़ी पार, वो बहुत ही लेस कॉम्प्लिकेटेड था। एमसी स्टैन ने इस एल्बम को उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया था, अगेन चीजों को मिनिमल रखा था। And I liked the production in this whole album as well. अच्छा production था, variation भी हमें देखने को मिला, versatility भी हमें देखने को मिली, ठीक है? और even कुछ drill beat भी MC Stan ने try किया, for example जैसे MH12, जो बाद में delete कर दिया गया, फिर निकाल दिया गया, but हाँ, वो भी हमें album में देखने को मिला था। So overall the production in this album was good by MC Stan. So इस album के बाद अगेन हमें MC Stan के कुछ singles देखने को मिले, और अगर हम उस वहाँ पे MC Stan के production की बात करें, तो अगेन production was okay. मतलब कुछ उतना भी ज्यादा खास नहीं था, ठीक है। बट अब एमसी स्टैन अपना थर्ड स्टूडियो एल्बम लेके आ रहे हैं महफिल। एल्बम से हमें एक दो ट्रैक ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, जिससे मैं एमसी स्टैन की प्रोडक्शन स्किल को जज नहीं करूंगा। एमसी स्टैन ने, अगर तुम्हें याद हो तो, रिसेंटली ही एक स्निपेट प्ले किया था अपने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब लाइव में। वहां पे मैं एमसी स्टैन के प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया था कि एमसी स्टैन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एमसी स्टैन करेंटली प्लेबॉय कार्टी को बहुत ही ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, उनसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि अब एमसी स्टैन की प्रोडक्शन प्लेबॉय कार्टी या फिर ट्रैविस स्कॉट के साइड जा रही है, उस डायरेक्शन में जा रही है। और मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ एमसी स्टैन ट्राई करे, क्योंकि वो जो स्निपेट था वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। सो अभी एमसी स्टैन के अपकमिंग एल्बम को लेकर के तो बोला नहीं जा सकता है कि उसमें एग्जैक्टली हमें क्या प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। एक दो जो ट्रैक देखने को मिले हैं, इसके प्रोडक्शन से मैं उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हूं, अगर मैं सच बात बताऊं तो, ठीक है। बट मैं होप कर रहा हूं कि प्रोडक्शन लेवल एमसी स्टैन का हमें कुछ क्रेजी देखने को मिले अपकमिंग एल्बम में। तड़ी पार जैसा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल कुछ डिफरेंट हो, कुछ नया हो, जैसा एमसी स्टैन हमेशा से करते हुए आ रहे हैं। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वॉक थ्रू ऑफ एमसी स्टैन्स प्रोडक्शन जर्नी, ठीक है। और शायद अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्यों एमसी स्टैन को मैं वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर बुला रहा हूँ, या फिर अंडररेटेड प्रोड्यूसर बुला रहा हूँ, अंडर एप्रिशिएटेड प्रोड्यूसर बुला रहा हूँ। क्योंकि है एमसी स्टैन अंडर एप्रिशिएटेड, लोग नहीं करते एमसी स्टैन के प्रोडक्शन को उतना एप्रिशिएट जितना उन्हें करना चाहिए। सो यस भाई, दिस वॉज इट, दिस वॉज द वीडियो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे हिसाब से एमसी स्टैन कैसे प्रोड्यूसर है, कमेंट करके बताओ। बाकी एमसी स्टैन के अगर एल्बम के लिए वेट कर रहे हो तो वो भी कमेंट कर दो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। ऐसे ही कॉन्टेंट चैनल पे आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।